लोभ हर्षक हत्या का आरोपी, जिस पर विपक्ष यह अनर्गल आरोप लगा रहा था कि राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है, कानून के दबिश के दबाव में आत्मसमर्पण करना पड़ा और कानून अपना काम करेगा और पूरी प्रक्रिया पूरी कर करके न्यायिक अभिरक्षा के लेकर पूरी न्यायिक प्रक्रिया को पूरा कर करके इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। बिहार में अपराध करने वाले को कोई राजनीतिक संरक्षण देने का कुसंस्कार विपक्ष का रहा है, इसके अपराधी और गुंडे आइकॉन रहे हैं, हमारे यहाँ अपराध करने वाले जेल की सलाखों के भीतर गए। पहले वहां की सरकार ने, बिहार की सरकार ने उस शराब में धुत हत्यारे को बचाने की कोशिश की, फिर पुलिस की नजरों के नीचे से वो भाग गया। पूरे देश में जिस प्रकार से एक विरोध का स्वर उठा, उसके चलते नीतीश कुमार सरकार को मजबूरन उसे गिरफ्तार करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को अब जवाब देना पड़ेगा कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी की नई कल्चर है, गुंडागर्दी, शराब में धुत होकर बच्चों को रोंदना और सरकार के संरक्षण का फायदा उठाकर भगोड़े बन जाना। Well, even after his surrender, the political blame game continues there in Bihar. We saw the Congress party there, Randeep Surjewala, in fact targeting the state government as well as the central government. And let's